हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लान योर स्टडीज़ की। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि कितना टाइम आपको स्टडीज़ में लगाना है। मैंने कहा था हार्ड वर्क करना है, तो मैंने बताया भी था हार्ड वर्क करने का मतलब है यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 50 आवर्स ऑन योर स्टडीज़ इन अ वीक, राइट। नाउ आज हम बात करेंगे कि प्लान क्या होगा, कैसे, मतलब यू नो, दिन की पढ़ाई कैसे करनी है आपने। तो सबसे पहले देखो, मैं कहूँगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वीकली प्लान होना चाहिए। कि बहुत रफ किया आपने, इस हफ्ते आपकी ये क्लासेस हैं आपके कोचिंग के अंदर, और आगे पता है आपको कि अगर कोई टेस्ट आ रहा है वो भी आपको पता होगा, आपको पता है कि स्कूल में भी कौन सी पढ़ाई करनी है। तो एक वीकली कैलेंडर कभी भी आप, मतलब वीकेंड पे भी, सैटरडे इज़ द बेस्ट टाइम और संडे इज़ द बेस्ट टाइम, मंडे टू संडे का एक वीकली एक रफ प्लान आपका रेडी होना चाहिए कि मैंने इस हफ्ते में मंडे को ये चीज़ें कवर करनी है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये। तो ये वीकली आपका प्लान होना चाहिए। फिर आप जैसे किसी पर्टिकुलर डे पे आते हैं, मान लो ट्यूसडे पे आते हैं, और मंडे को फिर आप देखिए कि उसको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मंडे जो आपने प्लान किया था वो आपका नहीं पूरा होगा। हमेशा ये होता है जो आप प्लान करते हैं तो उसका आप हमेशा 70-80% ही कवर कर पाते हैं, राइट। कुछ लोग तो 20-30% ही कवर कर पाते हैं, वो तो बिल्कुल ही, मतलब थोड़ा सीरियस नहीं है या बिल्कुल ही वो डिले करते हैं चीज़ों को। तो जनरली आइडली 70-80%, तो प्लान उस हिसाब से बनाना, थोड़ा सा मतलब ऊपर पहले ही से रख के बनाना, और लाइक वीक का प्लान आपका कि मंडे अगर कुछ बच गया, मंडे जो रह गया वो फिर एडजस्ट करो उसको मॉर्निंग में। वीकली प्लान हुआ, फिर डेली उसको मॉर्निंग में 10-15 मिनट आपने आज क्या करने वाले हो, आज आपकी कवरेज क्या होगी, आज आपने किस चीज़ों पर टाइम लगाना है, तो वो आपने डेली पे उसको ट्वीक करके ठीक कर लिया। सो वीकली प्लान और डेली उसकी ट्वीकिंग एवरी डे, ये एक है। फिर है कि आपने जो ये क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे आंसर करना पड़ता है, पूछते हैं मेरे स्टूडेंट्स और अदरवाइज, कि एक दिन में हम कितने सब्जेक्ट पढ़ें, दिन में जो हमें कवरेज करनी है वो कितना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों एक में दिन में पढ़ें, साथ में स्कूल का होमवर्क भी कई बार होगा आपका, या फिर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या दो सब्जेक्ट पढ़ें। तो पहले मैं बोलूँगा कि देखो कि पहले सिटिंग पे फोकस करना है, फिर मैं आता हूँ सब्जेक्ट पे, कि जो आपकी एग्ज़ाम है सारे वो 3 घंटे वाले एग्ज़ाम है, 3 आवर्स एग्ज़ाम। तो आपने ये नहीं करना है कि आधा एक घंटा पढ़ा और फिर आपने यू नो पढ़ के फिर आपने ब्रेक ले लिया और फिर आपने कुछ कर लिया, मतलब सिटिंग जो आपकी है वो ऐसे नहीं होने की आधे घंटे घंटे की नहीं होगी, वो सिटिंग या तो 3 घंटे की होगी या 2 घंटे की होगी, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे पता नहीं आपकी क्या आदत है, आपने जो 11th सारा निकाल लिया है, आपने अगर आप 11th के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो अपने 10th कैसा गया आपका। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं कहूँगा सिटिंग पर आपने फोकस करना है। अगर अभी शुरू में नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है उसको इस तरह से लेके आना है कि आपके सिटिंग 3 आवर्स पे लेके आना है, 3 आवर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप 3 घंटे आपको लगातार बैठना पड़ता है और पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा फोकस चाहिए, अगर पहले आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो कहीं ना कहीं माइंड आपका विचलित होना शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपका फोकस डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको यू नो ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा। तो वो हमें शुरू से ही, हमने लंबी खेलने से स्टेमिना की बात होती है, आपने देखा है स्पोर्ट्स में, देखा है आपने कि अगर आप जैसे यू नो सॉकर है, सॉकर में आपका 90 मिनट्स का स्टेमिना चाहिए आपको, और कई बार एक्स्ट्रा टाइम भी जाता है। ऐसे ही अब हॉकी है, उसमें आपने देखा है, क्रिकेट में देखा है आपने। तो ये जो स्टेमिना है वो हम स्टेमिना की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेमिना होना चाहिए आपका लंबा पढ़ने का, लंबा एक साथ। तो आपकी सिटिंग अगर आप देखो वीकडे है, हमने कहा था वीकडे में 5 घंटे की बात करी थी, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि एक 3 आवर्स की सिटिंग और एक 2 आवर्स की सिटिंग, बीच में स्कूल का होमवर्क भी करना है तो एक 3 आवर्स की सिटिंग, फिर उसको आप ब्रेक कर दो, 1-1 घंटे की कर लो आप। आई अंडरस्टैंड कि स्कूल का होमवर्क भी करना है तो आप छोटा भी रख सकते हो, लेकिन वीकेंड पे कम से कम 2 आवर सेटिंग आपको चाहिए 3-3 घंटे की। तो आप पूरे वीक में हिसाब लगा लो, पूरे वीक में 5 या 6 आपकी 3 आवर्स की सेटिंग होनी ज़रूरी है, 5 और 6 3 आवर सेटिंग इन अ वीक। और वीकेंड जिस दिन आपकी क्लास नहीं है और बाई चांस अगर वीकेंड पे घर पे हैं तो उस दिन तो बेस्ट है कि आप 3 सेटिंग भी 3-3 आवर्स की ले सकते हैं, टू बिगिन विद कम होंगी लेकिन धीरे धीरे उनको आपने बढ़ाना है। सो लॉन्ग सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट पे आते हैं कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले आप देखिए 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल सेंस नहीं होगी उसकी। तो अगर आपकी कोचिंग की क्लास है वापस आ रहे हैं तो आप जो कोचिंग में आपको पढ़ाया है उसको सेम डे रिवाइज करना है, अगर सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली रिवाइज करना है, आपके प्लान में ये होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट तो चूज़ करना ही है आपने, क्योंकि जब भी आप कोचिंग में सुन के आते हैं माइंड में चीज़ें फ्रेश होती हैं, लेकिन अगर आप सेम टाइम पे उसको रेनफोर्स नहीं करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तो चीज़ें दिमाग से डिकी होती रहेंगी, दिमाग से निकलती रहेंगी, तो उनको वो क्लास और जाने का पर्पज़ भी डिफीट हो जाता है सारा। तो जो सारी चीज़ें और सारे नोट्स बना भी नहीं पाते क्लास में, तो आपको क्लास कॉपी को रिवाइज करना ज़रूरी है। तो वो आपने उस दिन वो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है या नेक्स्ट डे सब्जेक्ट पढ़ना ही है। तो आप ऐसे करिए कि आप अगर वीकडे पे हैं, मैं कहूँगा कि एक कोई मेजर सब्जेक्ट होगा आपका,
जिस पर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बेशक वो मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी क्लास अटेंड करी है, और दूसरा वो माइंड, दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपने, राइट, अपने दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीनों नहीं पढ़ने, दो में से एक मेजर रखो, एक माइनर रखो वीकडे पे। वीकेंड पे आप कर सकते हैं कि दो सब्जेक्ट मेजर रख सकते हैं, वीकेंड जब मैं कह रहा हूँ मतलब मान रहा हूँ उस दिन आपकी कोचिंग क्लास नहीं है, आप मॉर्निंग टू इवनिंग घर पे ही हैं, तो दो आपकी मेजर सब्जेक्ट हो गए और तीसरा माइनर छोटा मोटा टाइम लगा दिया, आप खाली आपने दो ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, तीसरे को आपने नहीं कर लिया। और अब अगर आप जो टाइम लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 3 घंटे आप मेजर सब्जेक्ट है उस पर आप टाइम लगा रहे हैं, मैथ्स पे 3 घंटे लगाना चाह रहे हैं, तो एक बार देखना उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रखनी है, अनलेस कि आपका एग्ज़ाम है आप रिवाइज़ कर रहे हैं, अनलेस कि कोई कोचिंग में टेस्ट है आप रिवाइज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि आधा घंटा ये पढ़ा फिर आधा घंटा ये पढ़ लिया, आधा घंटा ये टॉपिक पढ़ लिया, रिविजन है तो अलग बात है, तो थोड़ा सा मतलब कम से कम हर एक्टिविटी 1-1.5 घंटा तो हो, अगर कोई अपने को टॉपिक पढ़ा है, आपने कैलकुलस है आपका, कैलकुलस की क्लास अटेंड करी है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कम से कम 2 घंटे का टाइम या 1.5 घंटे का टाइम रखकर तो कैलकुलस की प्रैक्टिस करो, आधे घंटे 2-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर हट जाओगे आप फोकस, और लंबा भी नहीं करना, वो भी मैं डिस्करेज करता हूँ कि 8-10 घंटे कैलकुलस पे ही बैठे रहे, तो इसलिए एक दो सब्जेक्ट तो पढ़ने ही हैं आपने, राइट, एक मेजर एक माइनर हो सकता है वीकडे पे, और वीकेंड पे दो मेजर सब्जेक्ट हो सकते हैं और थर्ड माइनर सब्जेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में सॉरी इस पहले पार्ट में मैंने बताया कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स को अपने पढ़ाई करनी है, राइट, और लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो तरीका मैं देखिए आप तो मैं मान रहा हूँ पक्का, लेकिन एक तो बेड पर बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है आपने, बहुत ही रॉन्ग तरीका है, और जितने भी टीनेजर हैं उनको होता है कि अपना बेड से अपना बैठे हुए हैं यू नो और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आधा घंटा पढ़ते हैं फिर फ़ोन पे लग जाते हैं, आपने बिल्कुल नहीं, जब आप का ब्रेक टाइम है तभी फ़ोन उठाना है आपने, ये सबसे बड़ी एक बुरी आदत है साथ में फ़ोन लेने की, और ऐसा भी देखा मैंने, एक हाथ में फ़ोन ही रखते हैं वो, मेरी डॉटर भी है वो भी टीनेजर है, वो ऐसे करती है, यहाँ पढ़ाई कर रही है थोड़ी देर में फिर फ़ोन पे देखने लग जाएगी, यहाँ 15 मिनट पढ़ाई करी फ़ोन पे टिक 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 टिक, वो नहीं करना है आपने, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, माइंड का मतलब उल्टा हो गया, हम तो कह रहे हैं 3 घंटे का फोकस बनाना चाह रहे हैं, आप तो 15 मिनट का फोकस भी नहीं बनने दे रहे अगर बार बार फ़ोन की तरफ देख रहे हैं, तो नहीं करना है आपने, फ़ोन जब भी आपका अगर 3 घंटे की सेशन है फिर आप फ़ोन उठाओगे, बेशक 15 मिनट का आधे घंटे का आपका जो टाइम है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइम आपके पास है, अब फ़ोन अगर आपको फ़ोन से रिलैक्सेशन मिलता है फ़ोन पर टाइम लगाइए, लेकिन जब आपका ब्रेक टाइम है तब आपने फ़ोन पर टाइम लगाना है, तो और उसके बाद टेबल कुर्सी पर पढ़ना है, बेड पर नहीं पढ़ना, सोफे पर नहीं पढ़ना, टेबल कुर्सी पर पढ़ना है बैठ के कंसंट्रेशन के साथ। अब जैसे सब्जेक्ट देखिए केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स में तो खैर फॉर्मूले ही होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, तो मेमोराइज़ में आप देखिए तरीका कहीं वो क्या होता है कि ऐसे पढ़ते रहते हैं नोट्स में ऐसे बस हो गया तो फिर ऐसे यू नो लेकिन वो नहीं, पहले तो जब पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो थोड़ा आप साथ में पढ़ा और ऐसे बिल्कुल अपने मतलब ख़राब राइटिंग में जल्दी में स्पीड में ऐसे साइड में थोड़ा लिखते भी चले जाओ, वो नोट्स नहीं हो गए, वो हो गया कि एक तो लिख के अपने चीज़ों को जैसे लिखते हैं थोड़ा वो ब्रेन में ज़्यादा डीप के अंदर जाता है कि अपने हाथ से खुद लिख रहे हैं, और दूसरा एक और तरीका होता है कि जैसे ही आपने सारी चीज़ें पढ़ी दिमाग में चला गया उसको रिकॉल करना, अपने ब्रेन से वापस बाहर निकालना, तो रिकॉल करने का एक तो तरीका है कि आपका पैसिव वाला है कि आप सोच के जो पढ़ा है, जैसे कोई भी आपने कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में कोई प्रोसेस पढ़ा आपने, कोई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कोई रिएक्शंस पढ़ी उसके अंदर आपने, कोई प्रॉपर्टीज पढ़ी किसी की, तो उसको आपने पढ़ ली थी, अब खुद रिकॉल कर रहे हो कि क्या पढ़ा था, माइंड से पुल कर रहे हो, अब वो पुल पैसिव तो है कि आप दिमाग से जब आप बोल नहीं रहे हो सर पुल करो, दूसरा जो है एक्टिव रिकॉल जिसे बोल के जैसे कि टीचर है पढ़ाता है तो आप भी उस टाइम पे अगर आप पॉसिबल है आप कमरे में हैं कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो मैं कहूँगा सब ऊंचा बोल के पढ़ाई कैसे, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ बोल के बात कर रहा हूँ तो आप बोल के रिवाइज करो उसको, तो राइट, या फिर आप कैसे मतलब कई बार आप मतलब गैदरिंग में बैठे हुए हैं यू नो फ्रेंड्स हैं पेरेंट्स हैं तो अभी पढ़ के आए आप वहाँ भी बैठ के आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं, उस टाइम पे आप बोल के नहीं कर सकते, आप पैसिव रिकॉल माइंड में रिकॉल करना, रिकॉल जरूर करना है जो आपने चीज़ें याद करी हैं, और ये चीज़ें मैं मैथ में क्वेश्चन के साथ भी करता हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएँ उनके आइडियाज़ को रिकॉल करो, उन्हें आइडिया कौन सा सीखा माइंड से, और रिकॉल मैं बोलूँगा पढ़ने में कि आप तो कि जैसे आप काफ़ी टाइम आप ट्रांसपोर्टेशन में भी लगाते हैं, जो लोग से हमारे VMC में दूर से लोग आते हैं पढ़ने, वो कभी 2 घंटे एक तरफ गए फिर 2 घंटे एक तरफ गए तो वो टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो टाइम में आपको बस में बैठ के या आप कार में बैठ के कोई क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते, या आप स्कूल जाते हैं सुबह बस में गए शाम को फिर दोबारा बस में वापस आए, तो वो टाइम में आप
आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को याद करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं करता था जब मैं यू नो आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इन 11th एंड 12th ग्रेड, तो मैं अपना पेपर लिया, मैंने वहाँ पे लिखने वाली चीज़ें, मैं उसमें पहले ऐसे फर्रे बनाते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट जिनको याद नहीं होती चीज़ें वो फर्रे लेके जाते हैं एग्जाम में, तो मैं अपने ऐसे जॉट डाउन कर लेता था सारे नोट्स और पेपर अपने साथ रखता था। तो जब भी टाइम मिला मैंने उसमें से चीज़ें ली और रिवाइज पढ़ा और फिर रिकॉल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो टाइम में चीज़ों को याद करने में यूज़ कर लेता था। ये भी देख सकते हैं कई बार क्या होता है, टेबल कुर्सी लोग बैठे हैं कि वहाँ पे ऐसे नींद से आने लग जाती है, थोड़ा बैठे मतलब सुस्ती आ रही है, मे बी या तो रात को कम सोए हैं या कई बार ज़्यादा सोए हैं इसलिए भी नींद आती है, या कई बार ज़्यादा आपने हैवी डाइट ली है, जब भी आप हैवी डाइट लेते हैं तो बिकॉज ऑफ सो मेनी कार्बोहाइड्रेट्स यू नो यू फील स्लीपी। तो उसमें आप उस केस में ये कर सकते हैं कि यू नो आप थोड़ा घूमिए, वॉक कर लिए अपने रूम में ही, थोड़ा यू नो पढ़ते पढ़ते घूम वॉक करते करते, तो वो सब चीज़ें देखो हो सकती हैं जब आप थोड़ा सा मतलब पैशनेट हैं, आपको पता करना ही है। अगर आप अगर पैशनेट नहीं है तो आप ज़रा सी नींद आए सुस्ती आए आप पढ़ना छोड़ दोगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, अगर आप आपको पता है करना है, आपको डेडिकेशन है और लग रही है कि आपको मतलब नींद आ रही है और सोने का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि अभी नींद पूरी हो गई थी, तो आप ड्रास्टिक स्टेप लो आप नींद खुलने के लिए। आप अगर ठंड है तो आप यू नो थोड़ा बाहर जाके ठंड ठंड में खड़े होकर देखो, ठंड लगेगी तो नींद अपना आप खुल जाएगी, बाल्टी में पानी रखो उसमें मुँह डाल दो नींद खुल जाएगी, मतलब कोई कुछ तो मतलब यू कैन नॉट स्लीप इच्छा करियर मेकिंग ईयर, ऐसी नींद आके ऐसे रही है, करना तो करना है, तो आपके कोई पैशन और डेडिकेशन में कमी होगी। गर्मी है तो आराम से बैठे हैं एसी में तो नींद आती है, क्लास में क्या मैं पढ़ा रहा होता हूँ देख रहा होता हूँ बच्चे आराम से अपना थक के आए स्कूल से, झपकी वपकी मार रहे हैं, मुझे क्लास से बाहर भेजना पड़ता है उनको, भैया जाओ नींद खोल के आओ अपनी, पानी पानी मुँह पर डाल के आओ तभी तो नींद खुलेगी। तो उस केस में आपने देखिए वो कैसे हैंडल करोगे ये चीज़ें, ये तो बहुत कॉमन है नींद आ रही है, इसको नींद खोलने का तरीका और तरीका ढूंढ लो आपके पास कोई हो, मैं तो आपको बताया तरीके, ठंड है तो बाहर चले जाओ, गर्मी है तो और धूप में बाहर चले जाओ, नहीं हो रहा तो पानी सर दे दो अपना, कुछ तो नींद खोलोगे, नहीं खोलोगे तो नहीं होगा, करियर मेकिंग ईयर्स हैं ये, आज करेंगे तो बाद में याद रखेंगे। तो देखिए अब मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने अभी क्या बात करी है, मैंने इंपॉर्टेंट बात करी है बहुत, अगर आप सीरियसली ले रहे हैं इस बात को कि आपका वीकली प्लान होना चाहिए और वीकली प्लान के साथ साथ डेली उसको अपने कस्टमाइज़ भी करना है अपनी नीड के, मतलब अगर आप जो नहीं पूरा कर पाए हैं चीज़ें को पूरा नहीं हुआ पिछले टाइम पिछले दिन में या ज़्यादा कर लिया आपने, तो उसको ट्वीक करना है डेली लेवल पे ट्वीक करना है। और फिर एक आपका सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, तो अगर वीकडे है जिसमें आपके पास सिर्फ 5 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन कोचिंग में आपको क्या होमवर्क मिला है क्या पढ़ाई कर रही है उसके बेसिस से आप प्लान करेंगे। हाँ अगर पूरा दिन घर पे है मॉर्निंग टू इवनिंग तक मॉर्निंग टू नाइट तक, तो 2 मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं और थर्ड आप माइनर रख सकते हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करने हैं। और जब भी एक सब्जेक्ट कर रहे हैं जैसे मैथ हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रखनी है, बहुत नहीं ये भी थोड़ा टाइम यहाँ नहीं, तो माइंड में कुछ एक कॉन्क्रीट चीज़ें जाएंगी नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रखेंगे एक सब्जेक्ट की भी। और थर्ड थिंग पढ़ने का तरीका आपका कैसे होगा, आपने टेबल चेयर पे पढ़ाई करनी है या घूम घूम के पढ़ाई करनी है, अपने अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टाइम आपने यूटिलाइज़ करना है, नोट्स बना के उनको रिवाइज़ करो, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बहुत लोगों का, वो टाइम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, वो टाइम आपने यूटिलाइज़ करना है। तो देखिए एक बार सोचिए इसमें जो मैंने बताया है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बस सुनने में ठीक लगती हैं फॉलो करने में डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप कोशिश करना फॉलो करने में, क्योंकि इनके रिजल्ट्स 1-2 दिन में नहीं आएंगे, 1-2 हफ्ते में नहीं आएंगे जो मैंने चीज़ें बात करी हैं, अगर आप थोड़ा टाइम तो कोशिश करनी पड़ेगी, अब कीजिए मैं बता रहा हूँ आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई बिन इन टू दिस लाइन फ्रॉम आई टोल्ड यू दैम 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो इनमें से खुद मैंने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं जो मुझे हेल्प किया था। थैंक यू सो मच।